हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू नोट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 साइंस के चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो के एंड में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स आपको हमारी वेबसाइट www.learnnew.com पर ईजिली अवेलेबल हैं। सो इफ़ यू वॉन्ट नोट्स और यू वॉन्ट टू डाउनलोड दैट नोट्स, kindly visit our site www.learnnewi.com। जैसा कि हमारा टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कार्बन को। कार्बन क्या है? कार्बन इज एन एलिमेंट जिसका सिंबल क्या है, एटॉमिक सिंबल C। ये एक तरीके का नॉन मेटल है। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड द एटमोसफेयर इज वेरी लो। ऑल द लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ कंपाउंड और कार्बन बेस्ड कंपाउंड, जिसे हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बात करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की। द वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिट्स, वो क्या कहलाता है, उस एलिमेंट का एलोट्रॉप। द कार्बन एलिमेंट एग्जिस्ट इन 3 सॉलिड फॉर्म्स जो कि उसके एलोट्रॉप्स हैं। तो 3 एलोट्रॉप्स कार्बन के कौन से हैं? पहला है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है बकमिंस्टर फ्लोरेंस। डायमंड और ग्रेफाइट जो है, ये दो बहुत ही कॉमन से एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के, जो कि काफ़ी सेंचुरी से हम सब जानते हैं। जबकि बकमिंस्टर फ्लोरेंस जो है वो एक नया एलोट्रॉप है कार्बन का, जो कि अभी रिसेंटली कुछ समय पहले ही डिस्कवर किया गया है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायमंड और ग्रेफाइट की जो हैं वो भी वेल नोन है, लेकिन जो बकमिंस्टर फ्लोरेंस की प्रॉपर्टीज़ हैं वो अभी भी स्टिल इन टेस्टिंग या लैब में टेस्टिंग है या इन्वेस्टिगेटेड है। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं डायमंड एंड ग्रेफाइट को। डायमंड इज अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हैविंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस, जिसे हम कहेंगे शाइन। डायमंड इज अ क्वाइट हैवी। डायमंड इज एक्सट्रीमली हार्ड। इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस एज एफ नोन। डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड बर्न ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड। इफ यू बर्न डायमंड इन ऑक्सीजन देन ओनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड एंड नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड। ये हमें शो करता है कि डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली। द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म बाय बर्निंग ड्यूरिंग द डायमंड बर्निंग, डायमंड कैन टर्न लाइम वाटर मिल्की। सिंस डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन एटम ओनली, तो उसका सिंबल क्या रखा जाएगा, C। अब बात करते हैं ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट इज अ ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस। ग्रेफाइट इज लाइटर देन डायमंड। ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू टच। ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट बर्न ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम ग्रेफाइट को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे, दैट ओनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म एंड नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड। तो ये चीज़ शो करता है कि ग्रेफाइट जो है वो भी किससे बना हुआ है, केवल और केवल कार्बन से। हालांकि हम जानते हैं कि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, लेकिन इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो एंटायरली डिफरेंट होती है। डायमंड जो होता है वो एक्सट्रीमली हार्ड होता है, वेयर एज ग्रेफाइट इज सॉफ्ट। डायमंड इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जैसा कि हमने कहा था, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जबकि केमिकल प्रॉपर्टी डायमंड और ग्रेफाइट की हाउएवर क्या रहती है, बिल्कुल सेम ही रहती है। अब बात करते हैं डायमंड के स्ट्रक्चर की। जैसा कि आप सामने फिगर में देख रहे हैं, डायमंड क्रिस्टल इज अ जॉइंट मॉलिक्यूल और अ वेरी बिग मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एटम। एंड ईच कार्बन एटम इन अ डायमंड क्रिस्टल इज लिंक्ड बाय 4 कार्बन एटम बाय अ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। एक जो क्रिस्टल में जो कार्बन एटम रहेगा वो 4 स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से दूसरे 4 कार्बन एटम के साथ में बाउंडेड रहेगा। द 4 सराउंडिंग कार्बन एटम आर एट द 4 वर्टिसेस या 4 कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रन। सो इससे हमें क्या लगा कि डायमंड क्रिस्टल इज देयरफॉर मेड अप ऑफ कार्बन एटम विच इज पावरफुली बाउंडेड बाय वन अनदर बाय अ नेटवर्क ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। ड्यू टू दिस द डायमंड स्ट्रक्चर इज वेरी रिजिड। द रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड मेक्स इट वेरी हार्ड सब्सटेंस। डायमंड का ये जो हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर है वही उसकी हार्डेस्ट सब्सटेंस होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज़ अ ग्रेट हार्डनेस ऑफ डायमंड विच मेक इट यूजफुल फॉर मेकिंग रॉक बोरर्स ऑफ ड्रिलिंग ऑयल वेल्स एक्सेट्रा और अ ग्लास कटिंग इक्विपमेंट एक्सेट्रा।
अब जहाँ तक बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट की, द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट इज़ अ वेरी डिफरेंट फ्रॉम डायमंड। अ ग्रेफाइट स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ कार्बन एटम और शीट्स ऑफ कार्बन एटम। हर कार्बन एटम इन अ ग्रेफाइट लेयर इज जॉइंड बाय थ्री अदर कार्बन एटम बाय अ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड टू फॉर्म अ फ्लैट हेक्सागोनल रिंग। द वेरियस लेयर ऑफ कार्बन एटम इन ग्रेफाइट आर क्वाइट फार अपार्ट सो दैट नो कोवलेंट बॉन्ड कैन एग्जिस्ट बिटवीन दैम। द वेरियस लेयर्स ऑफ कार्बन एटम इन ग्रेफाइट आर हेल्ड टुगेदर बाय अ वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस। सिंस द वेरियस लेयर ऑफ कार्बन एटम इन ग्रेफाइट आर जॉइंड बाय वीक फोर्सेस एंड दे कैन स्लाइड ओवर वन अनदर ड्यू टू द शीट लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट इज अ कंपेरेटिवली सॉफ्ट सब्सटेंस। इन्हीं शीट लाइक स्ट्रक्चर की वजह से ही ग्रेफाइट जो है वो एक सॉफ्ट सब्सटेंस है, और एक रिजिड स्ट्रक्चर की वजह से डायमंड जो था वो क्या था, एक हार्डेस्ट सब्सटेंस था। इट इज़ द सॉफ्टनेस ऑफ ग्रेफाइट विच मेक इट यूजफुल एज अ ड्राई लुब्रिकेंट फॉर मशीन पार्ट एंड ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। The third and the newest one is Buckminster Fluorens. Buckminster Fluorens is an allotrope of carbon containing cluster of 60 carbon atoms joined together to form a spherical molecule. 60 carbon atoms आपस में joined होकर एक spherical molecule बनाते हैं। उस तरीके के ये जो structure था allotrope का, ये किसका है? Buckminster Fluorens का। Since there are 60 carbon atoms in a molecule of Buckminster Fluorens, so it is तो इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या रहा? C60। बकमिंस्टर फ्लोरेंस इज अ फुटबॉल शेप स्पेरिकल मॉलिक्यूल इन विच 60 कार्बन एटम्स आर अरेंज इन इंटरलॉकिंग हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल रिंग ऑफ कार्बन एटम। देर आर 20 हेक्सागोनल एंड 12 पेंटागोनल ऑफ कार्बन एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ बकमिंस्टर फ्लोरेंस। दिस एलोट्रोप वॉज नेम्ड बकमिंस्टर फ्लोरेंस आफ्टर द अमेरिकन साइंटिस्ट बकमिंस्टर फ्लोरेंस because its structure resembled the framework of dome-shaped hall designed by Fleur for a large international exhibition. The arrangement of carbon atom in Buckminster Fluorens resembled a football made of 20 hexagonal and 12 pentagonal panel, and each corner of every panel representing a carbon atom. Buckminster Fluorens is a dark solid at room temperature. It differs from other two allotropes of carbon, diamond and graphite.